देखो सर उधर लेडी है, दिखने में तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं टावर चौक और ये देखिए नमन भाई साहब को मस्त मिजाज में गुपचुप खाना शुरू कर दिया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू खुशी नू ब्लॉग। तो गाइज हम तो आ ही गए हैं पता ही है आपको, और मेरे साथ आया हुआ है मेरा भाई नमन भी जो हमको छोड़ने के लिए आया था, और तो अभी इसको लेके जा रहे हैं हम लोग थोड़ा देवघर घुमाने के लिए। तू तू इसको देखिए तू 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 कर रही है। तो अभी सारे लोग रेडी हो गए हैं, इस पर ये चारों लोग बैठेंगे और उस पर हम नमन और ये तीनों बैठेंगे। तो चलते हैं गाइज और देखते हैं कि हम लोग आज क्या क्या मस्ती करते हैं। अच्छा बेड पे टूटा की हो पूरा नमन क्या किया, पूरा दीवार में भाग छिड़ गया। मार खा जाएगा सपना, सही देख लो जायस पहले भाग की सब कुछ दबा दबा सब कुछ। तो गाइस भाभी सपना में हम लोग को बहुत कुटी है, उसी का स्टोरी सुना रही है। और देखिए आना भाग रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा, भाग रही है मतलब। और अभी गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, नमन को आज पिला रहे हैं बाहर का टपरी का चाय। क्या नमन ये मेरा चाय, ये नमन का चाय, ये भाभी का चाय जो पी रही है। टूटू क्या खाता है, इलायची खा रहा है। और ये लोग पीने वाले हैं बिना चीनी का चाय जो अलग से बन रहा है इन लोग के लिए। और ये लड़की शैतानी कर रही है गोद में, अभी हम भी चाय पी लेते हैं पहले। हम लोग यहाँ पे इंडोर स्टेडियम के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आए हैं इसीलिए क्योंकि हम लोग वैसे हम लोग को उतना मतलब खाना नहीं था, लेकिन नमन को यहाँ पर हम लोग को टेस्ट करवाना है क्योंकि नमन अभी हमारे घर के स्पेशल गेस्ट दवाद दवाद बाबू बने हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना चलो उसको खिलाते हैं करवाते हैं तभी आ गए। लेकिन ऐसे तो हम लोग खाते हैं नीलकमल का, लेकिन नीलकमल का खाते हैं लेकिन वीडियो कर रही है तो नमन बोल रहा देखा देखा था हमारा सिर कटा बना। एक्चुअली वीडियो में पूरा नहीं आ रहा था, तब टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कि नमन को अच्छा लग रहा है कि नहीं। कोई भी नई जगह पे हमको ट्राई करना बहुत पसंद है, यहाँ पे नया बना तो ट्राई करते हैं। ऐसे तो हम नीलकमल में ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन नीलकमल बहुत मार्केट के अंदर घुसना पड़ेगा, भीड़ भी काफ़ी रहती है वहाँ पर, अवॉइड करते हैं। बिक्की हमेशा अपना डाइट का ध्यान रखते हुए सेब लेके घूम रहे हैं। इनके पास हमेशा आपको एप्पल मिल जाएगा, कहीं नहीं तो पॉकेट में दो एप्पल तो मिल ही जाएगा। और बैग में भी एप्पल लेके घूम रहे हैं ताकि जब भी भूख लगे तो एक एप्पल निकाल खा ले। बहुत ही अच्छी आदत, अच्छी आदत है। चलो नमन जी तब खा साथ ही अभी अभी बुलाऊंगा तू भैया, ये तू तो भैया के लिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नमन मामा को दे दो। यस मिनिमाइज कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये लोग किस बात पे बात कर रहे हैं, ये देखो मिनिमाइज पॉकेट लेके घूम बैठे रहो, बैठे रहो खाएंगे क्या हुआ। और ये रहा देखो मिनी टंकी खोरे बता, तो नमन एक बार मुंह में डाल लेगा ना। मिर्ची के साथ नमन मजा ले रहा, ठीक है तीखा नहीं लग रहा है तो कैसा लगा नमन? अरे मैं पूछ रहा आप लोग को तीखा क्यों नहीं लगता। तो गाइस हम लोग खाना खा लिए हैं, नमन पानी भी पी रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी छोटी सी टंकी है। हो गया सबका, हो गया टूटू? हाँ तुमको क्या ज्यादा पसंद है, मीट मछली की मुर्गा? फिर भी वो फेवरेट होता है ना, मछली है मछली। और हम लोग ले लिए हैं आज मटन, हमको ठीक है सब ठीक है। हाँ मार्केट वाला चिकन चिल्ली ऐसा कुछ
घर का मटन, मार्केट का चिकन, चिकन चिल्ली मेरा फेवरेट है। चिकन चिल्ली और पराठा मिल जाए तो के हम लोग घर, और घर आने के बाद सबसे पहले मिल चुका है इनको काम, और ये चले अपना काम करने के लिए, हम लोग चले अपना काम करने के लिए। एक्चुअली आयांस को थोड़ा फीवर आ गया है, तो आयांस को मेडिसिन देना है और उसको जल्द से मेडिसिन खिलाकर, और अभी ये रहा थर्मामीटर, अभी जा रहे सबसे पहले उसका फीवर को नाप लेते हैं कि कितना है। मुझे लगता है 99 तो होगा ही, 99 होगा ही, मतलब 100 होने से पहले ही दवाई दे देते हैं उसको, हल्का सा, ज़्यादा पावर का नहीं देंगे, हल्का सा, क्योंकि सर्दी के ऊपर है ना, तो इसीलिए। और आज मुझे करना है अपना हेयर वॉश, तो सबसे पहले आज हेयर वॉश भी करेंगे क्योंकि आज है, अच्छा दिन है, हाँ अच्छा ही दिन है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, वो अपने काम पे जा चुके हैं, उनको ड्यूटी मिल चुकी है, वो देख आ गए हैं। और ये हमारे शेफ लग चुके हैं, नमन ने डिमांड किया था कि उन्हीं के यहाँ से उनका कॉल आया, जीजा जी के हाथ का बना हुआ मटन खाएंगे। तो कल हम उसको मछली बना के खिलाए थे जो उसको बहुत पसंद आया, और आज हम उसको, जीजा जी उसको मटन बना के खिला रहे हैं तो वो भी उसको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं फटाफट, मैं नहीं बना रही, पापा बना रहे हैं। और ये अंश को बुखार आ गया, देखो मुँह देखो कैसे हो गया, देख रहे, तो चलते हैं, देखो तो चलते हैं फटाफट अपने काम की तरफ। तो गाइस खाना बन चुका है और बज चुके हैं डेढ़ दो बज चुके हैं, और अभी श्रुति आ गई है किचन में, तो फटाफट हम लोग चलते हैं खाना खा लेते, पहले देखते हैं कि वो बना कैसा है, ठीक है, हल्का सा स्मेल ले लेते हैं, उसके बाद अच्छे से खा पाएंगे, तो चलते हैं। ये देखो बनकर रेडी है, वाओ देखने में तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, खाने के बाद ही पता चलेगा, तो फटाफट से खा लेते हैं। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम आहाना और नमन को लेके जा रहे हैं। एक्चुअली नमन को मन कर रहा था चाट वाट खाने का, तो बोले चलो लेके चलते हैं, तुमको खिलाते हैं यहाँ का चाट। तो आहाना भी उठ गई, आहाना भी रोने लगी, तो इसको भी लेके जाना पड़ रहा है, इसको ऊपर से नीचे तक पैक कर दिए हैं, तो अभी चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं टावर चौक, और ये देखिए नमन भाई साहब को मस्त मिजाज में गुपचुप खाना शुरू कर दिया है, और हम इसको लेके आए हैं एकदम एग्जैक्ट टावर चौक पे। कैसा है, ठीक है? चाट के बाद नमन खा रहा है स्वीट कॉर्न, कैसा लगा नमन? ये तुम पहली बार ट्राई किया होगा ना? ये वाला स्वाद नहीं था, ये स्वीट कॉर्न है, गांव में स्वीट कॉर्न थोड़ी मिलेगा, नॉर्मल कॉर्न रहता है उसमें। अभी यहाँ से भाभी लोग के लिए लेंगे भुट्टा, नहीं क्या नाम है, क्या लेंगे भाभी लोग के लिए, मोमो, और फिर घर जाएंगे। और ये दोनों भाई के लिए देखिए वहाँ पीछे चना है, तो चना चाट बनवा लेते हैं और चलते हैं घर। तो गाइस मार्केट से आने के बाद हम लोग को एकदम भी याद नहीं था कि आज हम लोग का पार्टी है, फिर अचानक से याद आया, तो हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होने चले गए थे, और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। ये लोग भी देखिए जिम से आ गए हैं, और हमेशा की तरह हम लोगों को 10:30 बज गए हैं, तो 10:30 बजे हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, इसीलिए हमेशा की तरह हड़बड़ी में ही है। तो फिलहाल गाइस सारे लोग रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग निकलते हैं और आपसे मिलते हैं पार्टी में। चुके हैं घर, और घर में आकर आपको बोलना पड़ रहा है कि हम लोग जब गए तो टाइम काफी हो गया था, 11 बज गया था, मतलब 10:30 में तो निकले ही थे, पहुंचते 11 बज ही गया, और काफी वहाँ की का जो माहौल था वो शांत हो चुका था, जिसके कारण मतलब हम लोग को उतना मजा नहीं आया। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, और मैं तो अभी अयांश का कल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो उसके लिए बिजी हूँ, थोड़ा सा उसका ड्रेस तैयार कर रही थी। तो गाइस कल के ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी, वैसे मैं दिखला नहीं पाई, सूट नहीं कर पाई कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे अगर 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 आप लोगों को अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैं बना के भी दिखला दूँगी कि कैसे बनता है नहीं बनता है, और शायद आप लोगों को काम आ जाए कभी। तो कल आया आज का फैंसी ड्रेस है, और अभी बज चुके हैं 12, मुझे फिर से लगना होगा कम से कम 2 घंटा तो उस पर लगेगा ही मेरा अभी टाइम। और आयांश का देखो तो अभी देखते हैं बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, कल लास्ट है आयांश का, और आयांश को आज फीवर भी था, तो पार्टी तो सो रहा, और हम लोग ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाए, का कोई लोग एंजॉय नहीं कर पाए क्या, तो बेस्ट ऑप्शन तो
तो गाइज अपने ब्लॉग को करेंगे यहाँ पर एंड, और कल मिलते हैं नई जोश के साथ, नई तरंग के साथ। देखते हैं कि कल आयांश कैसा लगता है अपने लुक में, और आपको कल जरूर दिखलाएंगे। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।